गुड मॉर्निंग एवरीवन, आइए आज के मार्केट सेटअप को समझते हैं। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की बात करें तो कल यूएस मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। डाउ जोन्स में करीबन 170 पॉइंट की गिरावट थी, नैसडेक और S&P में भी प्रॉफिट बुकिंग थी। मॉर्निंग में भी डाउ फ्यूचर में हल्की कमजोरी देखने को मिल रही है 55 पॉइंट। फिर से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं ग्लोबली, तो उसकी तरफ मार्केट का फोकस हो रहा है। एशियन मार्केट मिक्स नोट पर ट्रेड कर रहे हैं। SGX निफ्टी में 12 पॉइंट की डाउनटिक नजर आ रही है। कल के डेटा की बात करें तो हमारे यहाँ FIIs की तरफ से स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू है। कल भी उन्होंने करीबन 5000 करोड़ की कैश में खरीदारी करी, हालांकि DIIs ने करीबन 4000 करोड़ की बिकवाली की। F&O डेटा की बात करें तो FIIs का इंडेक्स डेरिवेटिव में डेटा काफी पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने 5000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड रेट किया और 5000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड कवर किए हैं। कॉल में भी 16000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड रेट किए हैं, वहीं 5000 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट साइड कवर किए हैं। हालांकि पुट में मिक्स है, 15000 लॉन्ग साइड रेट किए तो 10000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड रेट किए हैं। तो ओवरऑल डेटा FIIs का काफी पॉजिटिव है। टेक्निकल सेटअप की बात करें तो मार्केट में स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। बाकी इतने वर्टिकल राइज के बाद हो सकता है एक कंसोलिडेशन या पुलबैक देखने को मिले, जहां पर कल का हाई जो है 12934 वो इमीडिएट हर्डल का काम करेगा। इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम साइकोलॉजिकल लेवल 13000 और नेक्स्ट लेवल 13225 की तरफ जा सकते हैं। नीचे की ओर 12770 से 12725 का एरिया इमीडिएट डिमांड जोन है। इसके नीचे जाता है तो 12570 से 12520 का एरिया नेक्स्ट डिमांड जोन रहेगा। यही एडवाइस है कि स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें, देन उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, जहां 29285 से 29500 इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है। 28800 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे फिसलते हैं तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, जहां 28235 नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा। तो ये था आज का मार्केट सेटअप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।